चलो भाई एक बार ना भाइयों को आवाज सुना देते हैं, जरा बच्चे देखो भाई साहब आसपास की कॉलोनी के कितने सारे इकट्ठे हो चुके हैं। आवाज सुना दूं, आवाज चेक कराऊं। बस 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 एक बार ऐसे कर दो ऐसे। चलो थम्स अप। गाइस यहाँ पे अपन लोग निकल रहे हैं सीधा बाजार से आगे की तरफ, और ये अपनी भाई कुछ गोहाना की मेन मार्केट है, काफी छोटी सी, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन रिएक्शन ओवर पावर भाई, ओपी रिएक्शन। ओ भाई साहब कितनी लॉन्गेस्ट वीडियो चालू हो गया ना यार दिन की शुरुआत में। चलो लेफ्ट वाली आंटी देखी आपने, आंटी को तो भाई जरूर डरा देती है भाई। बाकी ट्रेन को भाई गुड बाय करती है, सी ऑफ करती है, ट्रेन निकल दी है आगे की साइड। अभी ट्रेन खत्म होने को नहीं आ रही भाई, खत्म नहीं हो रही भाई, ऐसा लग रहा है दो ट्रेनों को इकट्ठे जोड़ रखे है ना। अंकल जी ऐसे करके पूछ रहे थे भाई पुलिस वाले कहाँ को जा रहे हो, मैंने कहा सीधा जा रहे हैं अंकल जी सीधा बिल्कुल। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई साहब सुबह सुबह मस्त करके नहा धो के रेडी होके। टाइम हो रहा है भाई सुबह का 10:04 अप्रोक्सीमेटली भाई साहब 10 बज चुके हैं, और आज का प्लान रहने वाला है भाई काफी ज्यादा क्रेजी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। आज हम लोग ना भाई अपनी निंजा 300 को फाइनली दूसरी बार सेकंड टाइम लेके जाने वाले हैं भाई अपने आसपास, अपनी गोहाना सिटी से पूरे 30 किलोमीटर दूर एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी भयंकर सी बेहतरीन सी राइड के लिए। ये तो मैंने आपको रिवील किया नहीं भाई कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, फाइनल जा रहे हैं भाई आज रोहतक जा रहे हैं अपने गोहाना टू रोहतक, पूरे 30 किलोमीटर की ये राइड रहने वाली है। काम क्या है ना, पहले आपको काम बता देता हूँ भाई। हस्क्वर्ना KTM की बाइक है, KTM कंपनी की बाइक है, रेस वाली वायर है वो थोड़ी सी हल्की सी खराब हो रखी है, तो KTM में जाएंगे सीधा सीधा। दोनों बाइक्स को लेके अपनी एकदम मस्त है, फिट एंड फाइन है, तो भाई उसका KTM में काम कराना है, काम भी हो जाएगा। मंदिर में मस्त करके जोत बत्ती करके आरती करके पापा जी यहाँ पे हैं। पापा जी गुड मॉर्निंग। पापा निकलो सुबह सुबह रोहतक के लिए, ध्यान से जाना है, ध्यान से चलाइए बेटा। ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो पापा, कहाँ तक देखे व्लॉग? स्टार्टिंग से लास्ट तक। एक भी सेकंड आपने, एक मिनट आपने अगर स्किप किया तो पापा पूरा व्लॉग व्यर्थ है, देख रहे हैं ना। चलो भाई लो गाइस, आज बनी है भाई गर्मा गर्म चने की सब्जी मस्त करके अपने गोभी के परांठे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोग फुल पावर रेडी हैं गाइज अपनी ग्रीन बीस्ट के साथ, ग्रीन ब्यूटी के साथ आज की शानदार टाइप राइड के लिए। जरा यहाँ चेक करो भाई साहब, और अपना सारा टायर है और अपनी ग्रीन बीस्ट की बॉडी है सारी एकदम ना गंदी हो रखी है। कारण क्या है भाई, सिर्फ मिट्टी डस्ट और कीचड़ जहाँ पे हम लोग ना अपनी बाइक को लेके निकल जाते हैं। बाकी क्या ही कर सकते हैं, आज को छोड़ के कल परसों अपनी बाइक की वॉशिंग भी मस्त करके करा लेंगे। और आपको मैंने पहले बता दिया था गाइस, पहले बाइक को जरा स्टार्ट कर देता हूँ। आज के दिन का होने वाला है पहली बार कोल्ड स्टार्ट अपनी निंजा 300 का। मिरर्स को करता हूँ ओपन। आज हम लोगों ने किसी कारण से किसी चीज के लिए भाई साहब रोहतक निकलना था अपनी KTM को ठीक कराने के लिए, लेकिन गाइस किसी कारण से ना इमिडिएटली और इंस्टेंटली अपनी जो KTM कंपनी है ना वहां पे आज एकदम से क्लोज हो गई है, यानी आज शोरूम क्लोज हो गया है। तो भाई उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, ना सामने वाला बंदा कुछ कर सकता, ना पब्लिक कुछ कर सकती। यानी आज सैटरडे है, संडे छोड़ के मंडे को हम लोग सारे लोग निकलने वाले हैं अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए KTM को। तो फाइनली गाइस जरा यहाँ चेक करो भाई साहब, नदी के बड़े सुंदर से व्यू के साथ, ग्रीनरी के साथ आपके सामने वन एंड ओनली दो बीस्ट एक फ्रेम में। आपको बताया था मैंने यार KTM का आज काम कराने जाना था, इसकी थ्रोटल वाली वायर है ना जो थोड़ी सड़ रखी है, कह सकते हो भाई थोड़ी जल रखी है, उसको चेंज कराना था। लेकिन आज KTM भी बंद था रोहतक का, लेकिन फिर भी देख लो भाई, एक तो निंजा ब्यूटी खड़ी है ग्रीन ब्यूटी, उसके साथ अपनी KTM खड़ी है भाई साहब। और ये चेक करो भाई, आज भाई ने इसको मस्त करके वॉश करा रखा है भाई, एक एक पार्ट ना इसकी रेडिएटर ग्रिल सारी की सारी मस्त करके चमक रही है, और देख के काफी अच्छा लग रहा है ड्यूक को। ये चेक करो भाई साहब, और आज तो भाई भी रेडी शेडी हैं। चलो भाई निकले यहाँ से, लेट्स स्टार्ट द राइड भाई, निकलते हैं यहाँ से। चलो लेट्स गो फॉर इट भाई, लेट्स गो फॉर इट। ये चेक करो भाई साहब, विलिया शिलिया ड्यूक पे शुरू हो गई है। ये चेक करो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब।
एक और बार ओ भाई साहब, ये चेक करो भाई साहब, बहुत लॉन्ग थी यार, बहुत लॉन्ग व्हीली थी भाई को ना यार, व्हीली मार मार के इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया ना भाई, किसी भी रोड पे कहीं पे भी ट्रैफिक में जाम में कहीं भी व्हीली व्हीली शुरू हो जाती है और मस्त करके व्हीली बजती है भाई। चलो ये चेक करो भाई साहब, कितना क्लोज करते हुए, कितना क्लोज कॉल करते हुए ड्यूक वाला आगे निकला है भाई साहब। मुझे ऐसा लग रहा था सीधा डिवाइडर में बजेगी ड्यूक, लेकिन नहीं बजी भाई, क्लोज कॉल भी चलता है ना राइड पे, तभी तो हम लोग इसे पावरफुल राइड कह पाएंगे ना भाई। तगड़े वाले क्लोज कॉल चलते हैं भाई, तगड़े वाले क्लोज कॉल। आपको निंजा के भी भाई कुछ गिने चुने, कुछ लिमिटेड से क्लोज कॉल दिखा देता हूँ भाई, आगे निकलता हूँ। चलो भाई साहब, लेफ्ट वाली आंटी देखी आपने भाई, एक तो निंजा की आवाज जो है ना भाई, इतनी पावरफुल है, इतनी डेंसर है, इतनी बेसी है, आंटी को तो भाई जरूर डरा देती है भाई। ड्यूक देखो भाई, पतली सी है ना, कहीं से निकालो भाई उसको, ऑटो के पीछे से, गाड़ी के आगे से, ऊपर से, साइड से, अगल से बगल से, लेकिन निंजा को हल्का सा टाइम लगता है भाई। ये चक्कर हो ना भाई, केटीएम वाला भाई पूरी नदी पार गया, दिल्ली पहुंच गया भाई, यानी पूरी नदी पार करके, ट्रैफिक पार करके भाई साहब दिल्ली पहुंच गया, और तुम्हारा भाई अभी फिलहाल रोहतक में अटका हुआ है भाई साहब। होप कर रहा हूँ आप लोग ना रिलेट कर पा रहे होगे। चलो बाइक को जाने देते हैं, निकलते हैं आगे भाई। रॉन्ग साइड आने वाले से तुम्हारे भाई को सख्त नफरत है भाई। ये चेक करो गाइज, हम लोग फाइनली बाईपास से ना, नए वाले रोहतक वाले बाईपास से फाइनली पहुंचे हैं गोहाना के फुआरा चौक, और यहाँ चेक करो भाई साहब, और दिनों के कंपैरिजन में लग रहा है आज कुछ ज्यादा ही रश है भाई। ऑल इज वेल भाई, ऑल इज वेल। चलो ड्यूक उधर से निकल रही है, लेफ्ट से, बगल से, और मैं इधर से निकल रहा हूँ ना। ड्यूक को पीछे कर देगा, चलो ये चेक करो भाई साहब, रास्ते में हवाएं और अपनी मिट्टी उड़ाती छुड़ाती चलती है भाई। ड्यूक और निंजा जब एक फ्रेम में आ जाती है ना भाई, किसी अलग बाइक को छोड़ती नहीं है भाई, जो पावर क्रिएट हो जाती है भाई साहब, सुपर ब्रूटल भाई साहब, सुपर ब्रूटल। अब ड्यूक को पीछे करेंगे भाई आज ना, चलो 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 चलो। ड्यूक पीछे है भाई, ड्यूक पीछे है, काफी कोशिश करने के बाद भाई साहब ये चेक करो यार, कैसे आ रहे हैं ना यार, हमारा लेना है, हम नहीं जाएंगे, भाइयों को पहले क्रॉस करना है भाई, गाड़ियों वालों को यार। चलो भाई, आपको बता रहा था यार, रेलवे ट्रैक पे हम लोग आने वाले हैं, उधर की साइड पे सीधा रेलवे ट्रैक है, और यहाँ चेक करो भाई, बिल्कुल प्लेन रोड है, किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं है, साथ में ट्रेन के भी दर्शन कर लो भाई। ये माल गाड़ी है, काफ़ी सुंदर लग रही है भाई, रेड एंड येलो कलर की ना, कितनी बढ़िया ट्रेन है ना, पीछे सारे डब्बे हैं भाई जिसमें माल भरा हुआ है भाई, माल यानी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज वाली ट्रेन है ना। चलो हो जाए फिर ड्यूक वर्सेस निंजा 300 कर दें, चलें बन, लेट्स गो। चलो ड्यूक आ गया भाई, पीछे करेंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, कांटे की टक्कर पे दोनों की दोनों बाइक चल रही थी, आगे देखो भाई बफेलो आ चुकी है, इस करके ना भाई थोड़ी स्पीड को कम करना पड़ा, और आगे रोड ही खत्म है भाई, आगे जाके रेस करोगे तो करेंगे कहाँ पे भाई, सीधा आप लोग ना ट्रेन की पटरियों के बीच में जाओगे, क्योंकि आगे रोड बिल्कुल ख़राब है, ख़त्म ही है भाई। और ये चेक करो भाई, बच्चे कैसे आ रहे हैं ना घूमते हंसते खेलते हुए हमारे पास, क्योंकि उनको बाइक्स पसंद आ गई हैं भाई। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं भाई। हाँ सही है भाई, थोड़े बहुत हैं आप लोगों की दया से है ना, थोड़े बहुत भाई, कह रहे हैं फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है भाई, हल्के हल्के हैं, थोड़े थोड़े। ये चेक करो भाई साहब, बच्चों का झुंड कैसे आ गया ना बाइक को देखने के लिए। मेरी ये वाली है, भाई की वो वाली है। हाँ निंजा है। चैनल का नाम है मास्टर लविश नारंगी, ये बाइक पे लिखा हुआ। थोड़े थोड़े हैं फॉलोवर, ज्यादा नहीं है। हेलो, कैसे हो भाई, कैसे हो? वीडियो ऑन है, सभी एक बार हेलो करोगे तो अच्छा लगेगा। चलो भाई, यहाँ चेक करो भाई साहब, आसपास के बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, मिलके अच्छा लगा आपसे। चलो भाई, एक बार ना भाइयों को आवाज़ सुना देते हैं, जरा बच्चे देखो भाई साहब, आसपास की कॉलोनी के कितने सारे इकट्ठे हो चुके हैं, आवाज़ सुना दूँ, आवाज़ चेक कराऊँ। चलो इतने सारे बच्चे, आवाज़ चेक करा देता हूँ भाई। बस 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 बस
भाई साहब मुझे लग रहा है पूरी कॉलोनी ना आसपास की पूरी गुंजा दिया भाई, शोर शोर मचा दिया बच्चों ने, है ना। चलो सही है, एक बार ऐसे कर दो ऐसे, चलो थम्स अप। बाकी ट्रेन को भाई गुड बाय कर दी है, सी ऑफ कर दी है, ट्रेन निकल दी है आगे की साइड, पता नहीं कहाँ को जा रही है। अभी ट्रेन खत्म होने को नहीं आ रही भाई, खत्म नहीं हो रही भाई, आधी जा रही है आधी और बाकी है भाई, ऐसा लग रहा है दो ट्रेनों को इकट्ठे जोड़ रखे है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं है भाई कहीं पे भी। गाइस जरा यहाँ चेक करो भाई, ट्रेन तो जा चुकी है, फाटक खुलने में अभी भी टाइम है। भाई कह रहे निंजा को नीचे से निकाल दे फाटक के भाई कोशिश ही मत करना चलो भाई साहब बड़ी मुश्किल से भाई अपना डंडा ऊपर गया भाई, यानी बैरिकेड खुल पाया भाई बड़ी मुश्किल से। चलो भाई बड़ी मुश्किल से ड्यूक को स्टार्ट होने का मौका मिल पाया ना। बाकी फिलहाल एकदम खाली रोड आ चुका है, आगे भी लग रहा है हल्का फुल्का जाम है, ट्रैफिक है, लेकिन ड्यूक अपने पास है तो डरने की क्या बात है ना। चलो निकलते हैं गाइस आगे, ड्यूक की कटिंग दिखाते हैं आपको आज काफी दिनों के बाद, चलो लेट्स गो फॉर इट भाई। अलग ही पटाखे हैं भाई, अलग ही पटाखे निकलते हैं भाई, आगे नहीं निकल सकते भाई, निकल जाएंगे भाई, निकल गए। चलो यहाँ से निकलते हैं अपना, बस यही है भाई, कुछ गैर फर्क नहीं है भाई निंजा और केटीएम में, फर्क इसी चीज का है भाई, आराम से आगे पीछे जा सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, और अपनी निंजा काफी पीछे रह गई ना, काफी पीछे। और भाई जो आज तगड़े वाली स्वेटिंग हो रही है आपको क्या ही बताऊं भाई, इतनी तगड़ी गर्मी है ना, भयंकर गर्मी, बार बार गोप्रो हीट अप हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश है, और राइड में मज़ा आ गया भाई, काफ़ी सारे बच्चे मिले, हमारा चैनल लिया, थोड़ी हल्की बुल्की प्रमोशन भी की है भाई, अच्छा लगा भाई। चलो ये चेक किया था आपने क्लोज कॉल, निंजा राइट से निकली थी, ड्यूक लेफ्ट से, सीधा चलो जाने दो। यहाँ पे अपन लोग निकल रहे हैं सीधा बाजार से आगे की तरफ, और ये अपनी भाई कुछ गोहाना की मेन मार्केट है, काफ़ी छोटी सी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन रिएक्शन ओवर पावर्ड भाई, ओपी रिएक्शंस, ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता लेकिन आराम से तो रिएक्शन आते हैं ना। चलो भाई साहब ड्यूक ने मुझे हिला के रख दिया भाई, ड्यूक के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, क्या भाग रही है, शानदार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया गाइस। हाँ जी अंकल जी, और ठीक हो? सब ठीक है, आप सुनाओ जी, जय श्री राम। बढ़िया, ठीक हो? मतलब आप क्या, मतलब डेली देखूं आपने? डेली देखते हो ना आप? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है जी अपना, यूट्यूब पे। अच्छा, हाँ यूट्यूब पे उस नाम से चैनल है, मास्टर लविश नारंग के, लविश नारंग। हाँ जी, अच्छा, तो वहाँ पे उसके लिए डेली वीडियो बनाते हैं गोहाना शहर की, अपनी खुद की, पूरे शहर की। कल आप भी वीडियो में आ जाओगे? ठीक है अंकल जी, कैमरा चालू, एक बार ऐसे कर दो ऐसे, ठीक है अंकल जी, धन्यवाद, थैंक यू, ओके। इन भाई को देखो भाई, सही वीडियो बना रहे हैं ना, अच्छा लगा देख के। अंकल जी ऐसे करके पूछ रहे थे भाई पुलिस वाले, कहाँ को जा रहे हो? मैंने कहा सीधा जा रहे हैं अंकल जी, सीधा बिल्कुल।